वीकेंड की सुबह अगर गर्मा गर्म पराठे हो जाए तो भाई मस्त मज़े आ जाते हैं, और अगर साथ में हो मस्त सी चटनी एंड मैंगो लस्सी तो फिर तो सोने पे सुहागा। तो फाइनली इस वीकेंड और मैंने बना लिया ये लच्छा प्याज पराठा एंड इट टर्न्ड आउट सो सो यम्मी। में तो पराठा बनाने के लिए मैंने ले लिया बहुत सारा प्याज और छील के उसे एकदम पतला पतला काट लिया, जितना पतला हो सके उतना पतला काटा मैंने, और फिर सारे अनियंस को अच्छे से सेपरेट कर लिया और एक प्लेट पे रख के थोड़ा सा सुखा लिया, क्योंकि काफी मॉइस्चर होता है प्याज में। जब तक ये अनियन सूखते हैं मैंने कर ली बाकी चीजों की तैयारी। हमें इस मसाले को बनाने के लिए चाहिए होगा थोड़ा सा धनिया, जिसे मैंने चॉप कर लिया एकदम बारीक बारीक। देन मैंने थोड़े से ग्रीन चिलीज को भी चॉप कर लिया। बस इतने ही चॉपिंग में पूरा काम हो जाएगा। देन मैंने लगा लिया पराठे का आटा। मैंने यहाँ पे 2 कप आटे में 1/2 कप मैदा मिलाया है। आप चाहे तो मैदा बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं। साथ में फिर मैंने ऐड किया थोड़ा सा नमक और तेल एंड एक सॉफ्ट सा डो बना लिया। डो को मैंने एक गीले कपड़े से कवर करके रख दिया और थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने दिया। जब तक ये डो रेस्ट हो रहा था मैंने प्याज में मसालों को ऐड कर दिया। मसाले में मैंने डाला 1-1 चम्मच धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चॉप धनिया, चॉप मिर्ची, नमक, और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। वैसे प्याज में जो नमक है ना वो आप बिल्कुल बेलते वक्त ही डालना, क्योंकि नमक ऐड करने से प्याज और भी पानी छोड़ेगा। अब इस डो को लेके मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर लिया और अच्छे से रोल कर लिया। ये देखिए एकदम स्मूथ राउंड रोल्स बना लिया मैंने यहाँ पे। एक आटा लिया मैंने यहाँ और बाकी के आटे को फिर से कवर करके रख दिया, ताकि जो ऊपर का पोर्शन है वो ना सूखे। अब मैंने एक आटे का पेड़ा ले लिया और जितना हो सके उतना बड़ा और पतला बेल लिया। बट ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, वरना ये फट ही जाएगा। जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर लेंगे। फिर मैंने इसके ऊपर डाला थोड़ा सा ऑयल और उसे अच्छे से ब्रश से फैला लिया। फिर मैंने आटे के ऊपर ये अपना मसालेदार प्याज डाल लिया और अच्छे से फैला लिया। फिर हमें इसे इस तरीके से अच्छे से फोल्ड कर लेना है, एंड फोल्ड करने के बाद उल्टा करके सेंटर से कट कर लेना है। हमें दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा स्पेस रखना है और बाकी का पोर्शन बीच में से कट लगा लेंगे, और जो कटआउट वाला पोर्शन है वो ऊपर की तरफ डाल देंगे। थोड़ा सा हाथ से फ्लैटन आउट करने के बाद एक एंड से हमें इस तरीके से इसे रोल करना है। और जो एंड पार्ट है उसे इस तरीके से नीचे की तरफ टक इन कर लेंगे। हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर ले एंड ये हमारा पेड़ा बिल्कुल रेडी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से 3 पेड़े बना लिए, मतलब 3 लच्छे पराठे बनेंगे सुबह सुबह। अब थोड़ा सा सूखा आटा डाल के हमें इसे रोल कर लेना है। थोड़ा सा सूखा आटा डालें और हाथ से थोड़ा फ्लैटन कर लें। सिंस इसमें इतना सारा मसाला है एंड प्याज है, थोड़ा सा पानी छोड़ेगा ये, तो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा सूखा आटा डालेंगे इसमें तो इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। ये जो मसाला है ये पूरे आटे को बिल्कुल सोक कर लेगा, बट देन कच्चे आटे का टेस्ट भी नहीं लगेगा। लग रहा है ना ये कितना प्रिटी, जितना सुंदर अभी ये दिखने में लग रहा है उतना ही टेस्टी ये खाने में है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो आटा है उसे डस्ट ऑफ कर लें एंड एक गरम तवे पे डाल के पराठे को अच्छे से सेक लें। मैंने यहाँ थोड़ा घी यूज़ किया है क्योंकि आई लव घी का पराठा, बट आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे आपको कौन सा पराठा पसंद है, घी का या तेल का, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एक तरफ जब अच्छे से सिक जाए तभी इसको पलटना, वरना आपका पराठा पूरा टूट जाएगा। एंड ये हमारा गर्मा गर्म लच्छा प्याज पराठा बिल्कुल रेडी है।
साथ में मैंने बनाया था बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी सा एक ग्रीन चटनी। तो ग्रीन चटनी बनाने के लिए मैंने लिया थोड़ा सा रफली चॉप धनिया, 5 से 6 लहसुन की कलियां, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, जीरा पाउडर, काला नमक, 1/2 नींबू का रस एंड एक बर्न किया हुआ टमाटर, और इसे लेके अच्छे से ब्लेंड कर लिया। एंड ये रेडी है मस्त सा धनिया की चटनी। एंड फाइनली मैंने बनाया मैंगो लस्सी। तो मैंगो लस्सी के लिए पहले मैंने मैंगोस को इस तरीके से चॉप कर लिया एंड ब्लेंडर में ऐड किया 1 कप दही, इलायची पाउडर, थोड़ा सा स्टीविया, आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, थोड़े से आइस क्यूब्स, नमक एंड ब्लेंड कर लिया। एंड ये हमारा मैंगो लस्सी भी है बिल्कुल रेडी। पराठे के साथ मैंने लिया थोड़ा सा दही, ग्रीन चटनी, ग्लास में डाला ढेर सारा आइस क्यूब्स एंड दी लस्सी। लस्सी को मैंने गार्निश किया थोड़े चॉप मैंगोज एंड पिस्ता के साथ। वैसे पिस्ता बिल्कुल ऑप्शनल है बट टेस्ट अमेजिंग इन लस्सी। बहुत बना लिया, अब चलो अब टाइम टू ईट। मैंने तो दही पराठा चटनी एंड लस्सी अपने वीकेंड मॉर्निंग पे मस्त एंजॉय किया। अब आप भी जल्दी से बनाओ एंड संडे मॉर्निंग के मज़े लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर।